अगर आपको बहुत समय से पेट के निचले हिस्से में दर्द है, कमजोरी है, बुखार है या आपको बच्चेदानी में से स्राव आ रहा है तो हो सकता है कि आपको यूट्रस में इन्फेक्शन हो। यूट्रस में इन्फेक्शन में जो यूट्रस के अंदर की परत होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसमें संक्रमण होता है, इसलिए इस परेशानी को एंडोमेट्राइटिस भी कहते हैं। नमस्कार, मैं उपचार से मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। यूट्रस में इन्फेक्शन होने की वजह से जो अंदर की परत है वो पतली और कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो भ्रूण है उसका प्रत्यारोपण नहीं हो पाता है और आपका बार बार मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा अगर ये इन्फेक्शन ट्यूब्स तक पहुंचता है तो आपकी ट्यूब्स बंद हो सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहरता है। आपके पीरियड्स जो है वो अनियमित हो सकते हैं और अगर ये इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक रहता है तो आपके यूट्रस के अंदर पस जम सकती है। इस परेशानी को हम पायोमेट्रा कहते हैं और पायोमेट्रा की वजह से बच्चेदानी का मुंह जो है वो बंद हो सकता है, सिकुड़ सकता है, जिसे हम सर्वाइकल स्टेनोसिस कहते हैं। यूट्रस में इन्फेक्शन करने वाले कीटाणु यूट्रस के अंदर कैसे पहुंचते हैं? ये डिलीवरी के दौरान पहुंच सकते हैं, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से की जाए या सी सेक्शन से। बच्चेदानी की सफाई करते समय या बच्चेदानी के अंदर कॉपर्टी डालते समय भी इस तरह की परेशानी हो सकती है। कई बार ये परेशानी यौन संबंधित इन्फेक्शंस के कारण भी हो सकती है, जिन्हें हम एसटीडी कहते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक आपको ये परेशानी है तो ये टीबी की वजह से भी हो सकती है। कई बार देखा गया है कि जो यूट्रस का इन्फेक्शन है वो पीआईडी के कारण भी हो सकता है। पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसमें यूट्रस के साथ साथ ओवरीज, फलोपियन ट्यूब्स और श्रोणी के अन्य अंग में भी इन्फेक्शन होता है। अब आपको मालूम हो गया कि यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन कितनी सारी परेशानियां कर सकता है। आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल मायोपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको शक है कि आपको यूट्रस में इन्फेक्शन है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपकी खून की जांच करेंगे, जिसमें सीबीसी का टेस्ट होगा, यौन संबंधित इन्फेक्शंस का टेस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और अगर उनको शक है कि ये इन्फेक्शन टीबी के कारण है तो आपकी बायोप्सी भी की जा सकती है। यूट्रस में इन्फेक्शन का इलाज बहुत ही सरल होता है अगर आप डॉक्टर को तुरंत मिल लें। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट्स लेनी होंगी, मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट्स लेनी होंगी, एम्पिसिलिन भी दी जा सकती है। और अगर आपका इन्फेक्शन इन दवाइयों से नहीं ठीक होता है तब डॉक्टर आपको जेंटामाइसिन के इंजेक्शंस का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको ये परेशानी टीबी के कारण है तो वो 9 महीने की टीबी का इलाज भी आपका स्टार्ट करेंगे। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और अगर आपको अपनी सेहत से संबंधित भी कोई जानकारी लेनी है तो मायोपचार की ऐप को डाउनलोड करके अपना सवाल ज़रूर पूछें। मायोपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद करेंगे।